स्वामी चक्रपाणि, हर तरफ हर बार लोग यही कहते हैं कि सौहार्द होना चाहिए और मिलजुल कर कोई निर्णय, लेकिन आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं पर मन मिलके कुछ निर्णय निकल सकता है, या ये एक अदालती लड़ाई से ही ये पूरे मामले का निर्णय होने वाला है? देखिए, मन मिलकर के हो जाए निर्णय, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आदर्श स्थिति होगी, लेकिन जिस तरह के विषैले बयान लगातार एक पक्ष के द्वारा दिए जा रहे हैं, इसकी संभावनाएं बेहद छिड़ दिखाई पड़ती हैं। और हम मानते हैं कि न्यायपालिका से अगर इस बात को लेकर के स्पष्ट निर्देश हो जाएगा तो आने वाले समय में भी इस बात को लेकर के जी, ये स्वामी चक्रपाणि से असल में मैंने पूछा। स्वामी चक्रपाणि, श्वेता जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, इनसे माफी मांगने की बात पूछी जा रही तो नहीं जवाब दे रहे। हमें तो चिंता इस बात की है कि यहाँ माफी मांगे या न मांगे, लेकिन जो औरंगजेब ने जो हमारे मंदिर तोड़ा वो तो स्वाभाविक रूप से जो मंदिर तोड़ा वो दोजख में जाएगा, लेकिन जो हमें चिंता इस बात की है कि जो मुक्ति मौलाना या जो लोग उस नमाज पढ़ने वहां जाते हैं, वो मंदिर था जहाँ पे प्रतिमा है, जहाँ पे हमारे भगवान की बेअदबी की गई है, जब जाएंगे ऊपर, जो अल्लाह ताला रहीम है रहमान है, तो उनको क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह ताला तो खुद उनको सोटे मारेंगे कि भाई तुमने तो एक दो मंदिर तोड़ दिया हिंदुओं की, और तुम वहां पे हमारी प्रार्थना करके तुम्हें जन्नत में मिलेगा, तुम्हें हूर मिलेगा, वो तो दोजख में भी नहीं भेजेंगे, बल्कि इनकी फाइल तो भगवान चित्रगुप्त के पास होगी, क्योंकि हिंदुओं के अपराधी हैं और हिंदुओं के मंदिर में पढ़ रहे हैं, और वहां पे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां तो हिंदुओं वाला नरक मिलेगा। सवाल यह है कि हमें चिंता इस बात की है कि जहां जहां मंदिर तोड़े गए हैं इनके कुरान के अनुसार, कि दूसरे के धर्म स्थल तोड़ के या विवाहित जगह पे नमाज पढ़ना हराम है, तो जब हराम है तो हराम का कार्य कर रहे हैं। जहां जहां हमारे मंदिर है वहां अगर नमाज मौलाना साहब पढ़ रहे हैं तो कैसे ये जन्नत में जाएंगे, कहां हूरे मिलेंगी, ये तो कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि हिंदू वाला नरक मिलेगा, भगवान चित्रगुप्त स्वामी चक्रपाणि से, और आप कोर्ट में यहां से भी हारेंगे और वहां से भी हारेंगे, नहीं जी मौलाना साहब बताइए, जाएंगे उसकी सजा भुगतेंगे, क्योंकि हमारे देवी देवता का अपमान कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं आप कितने सालों से। स्वामी चक्रपाणि बोलना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं आपको, जी बोलिए मौलाना साहब। महाराज ने अभी बताया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है और औरंगजेब ने मस्जिद मंदिर तोड़ा है, ये अकबर के जमाने की मस्जिद है, औरंगजेब ने तो बनाया 1285 में महाराजा, आप समझिए मुझे भी इतिहास पता है, और अब सुनिए 1818 आपके बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए, मेरे भी तो सुन लीजिए, मैं छोटा भाई हूँ, इतिहास हमने भी पढ़ा है भाई, इतिहास से हमने भी पढ़ा है। स्वामी जी उनको अपना जी तो दिक्कत होती है कि छोटे भाई, देखिए जो इतिहास है ना वो सामने हम चला भी रहे हैं, वो सारी चीजें तो जो जो तथ्य बोल रहा है वो चीजें सामने स्पष्ट भी होती जा रही है। मौलाना साहब बताइए। देखिए मैं यही कहने जा रहा हूँ कि यहाँ अगर मैं एक एक मिनट के लिए मैं स्वामी चक्रपाणि महाराज के साथ खड़ा हो जाऊं और ये कहूं कि ठीक है चलो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई ये गलत हुआ, आप मुझे बताइए, आप मुगल काल को रो रहे हैं, मुगलों के बाद में अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ में क्या किया है? अरे उससे पहले सोने की चिड़िया थी और उन्होंने सोना भी लूटा, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, हमारा देश उसके बाद से कंगाल हो गया, स्वामी चक्रपाणि उनको जी मौलाना साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए फिर आप बोलिए जी, क्योंकि एक ही है ना, आप तो तीन, एक पक्ष है वो एक पक्ष है जी। अगर आप हिस्ट्री को पढ़े 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, 11वीं सदी में 84,000 बुद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बने हुए हैं, और स्वामी विवेकानंद ने 2-3 मंदिरों के बारे में कहा है कि हमने इनका शुद्धिकरण किया है, और बड़े मंदिर है वो आपके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता होना चाहिए, इस पहुंच रही है कहीं मस्जिद होता है, काशी में 6-6 वापी है, ज्ञान वापी है, करकोटक वापी है, भद्र वापी है, सिद्ध वापी है, शंख चूड़ा वापी है, 6-6 वापी है, ज्ञानवापी के नाम से कई संस्कृत होता है, आप बातें कर रहे हैं, का हवाला देख के बता रहा हूं। अरे हिस्ट्री मुझे भी पता, आपकी बात में बहुत अंतर है, हिंदू मातों के मस्जिद पर मौलाना साहब इस्लाम में, मौलाना साहब इस्लाम में क्या लिखा है इसको लेकर कि क्या एक पूजा स्थल को तोड़कर वहाँ मस्जिद बन सकती है, कानून क्या नमाज ऐसी जगह से कबूल होता है, क्या कहा गया इस्लाम विरोध में भी चल रहा है। श्वेता जी आप मुझे बताइए,
अगर बुद्ध मठ को तोड़कर मंदिर बनाए जाए तो क्या वहां पूजा स्वीकार होगी? देखिए बताइए, हम इधर की बात नहीं आप ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ कि क्या इस्लाम में इसको लेकर क्या कहा गया है। मैं भी आपसे पूछ ही रहा हूँ कि हिंदू धर्म में क्या अगर बुद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बना लिए जाए तो क्या वहाँ पूजा स्वीकार होती है? हिंदू है यार, बुद्धिस्ट भी हिंदू है, जैन भी हिंदू है। उसके बाद आप जवाब देंगे आप मौलाना साहब, ये थोड़ी सही होता है कि मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप बोलते नहीं पहले इसका जवाब लेकर आओ फिर मैं उसके बाद जवाब दूंगा। आप एक बार बता दीजिए, उसके बाद सुजाता जी आपके सवाल का जवाब देना चाह रही है। नहीं नहीं, जो वैदिक धर्म है सनातन में मूर्ति पूजा है ही नहीं, ये कहाँ से शिवलिंग और ये मूर्ति पूजा की बात करते हैं? सनातन में तो है ही नहीं मूर्ति पूजा। हाँ, मुझे साबित कर दे स्वामी चक्रपाणि महाराज, बगल में गंगा जी भी बह रही है ना, प्रकृति पूजन है वहां पर। सिद्धि की क्या दिशाता है, ये हिंदुत्व के बारे में परिभाषा करेंगे? पंचदेव की उपासना है, गणेश की पूजा है, ऐसे पूजा है जहाँ पर दीवारों पर त्रिशूल, देवी देवताओं की आकृतियां, घंटे, ये सारे उकेरे गए हो वहां पर, आपको वहां पर, इसलिए मैं पूछ रही हूं कि क्या इस्लाम में ऐसी जगह पर बनाना जायज माना जाता है? नहीं, वो देखा जाएगा ना कि वो बनाई गई है या बनी हुई है या कब की है कब की नहीं है, उनकी पोजीशन क्या है, वो ऐसे थोड़े कि भाई कोई जो चाहे कह दे। चलिए सुजाता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद हम संपन्न करें इस पूरी चर्चा को। सबसे पहले तो ये, मौलाना जी अपने धर्म के बारे में विवेचना करें, उनको उन्हें सनातन की जरा से भी ज्ञान नहीं है, ना ही वो इस डिबेट में इस हैसियत से आए हैं कि वो दूसरे पे सनातन के बारे में धर्म को बता सकते। उनको मैं उतना बता सकती हूँ कि उनका ज्ञान अधूरा नहीं, बिल्कुल शून्य है, शून्य। ठीक है, तो अपने धर्म के बारे में आप अपने मौलाना जो इस्लाम के बारे में जानते हैं उतना ही बोलिए, क्योंकि अगर हम इस्लाम के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप फतवा जारी करना शुरू कर देते हैं। सुनिए, नहीं नहीं, आपके जैसे ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी ज्ञान के कारण, इसी ज्ञान दान के कारण हमारे मंदिर अभी भी मस्जिदों के नीचे गड़े पड़े हैं, और उनको हम सेक्युलरिज्म की पाठ जो है पढ़ाया जा रहा है। तो आप मुझे मत बोलिए। दूसरी चीज बता दीजिए, आप बता दीजिए ज्ञान, मुझे मैं अपने ज्ञान में और वृद्धि करना चाहता हूँ।